आपका क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो देर आर टू क्वेश्चन, ठीक है? तो इसको समझो, इसने क्या बोला है, अ पेयर, पेयर मीन्स टू डाइस, तो टोटल आउटकम कितना है पहले हमको वो मालूम होना चाहिए। तो टोटल आउटकम इज फर्स्ट फेस में 6 है एंड सेकंड में 6 है, तो यहां पर आपको प्लस नहीं करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट। दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ 36 टोटल आउटकम्स, ठीक है? अब देखो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है वो हम देखते हैं। एन इवन नंबर ऑन वन एंड द मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, ठीक है? तो फर्स्ट फेस में देखो क्या क्या होता है आपका, 1 2 6 है ना, 6 नंबर होते हैं आपके। तो उसने बोला कि फर्स्ट में आपका इवन नंबर्स तो 2 है, सेकंड में आपका क्या है, अगेन आपने यहां पर कर दिया 4, और थर्ड में भी आपने ले लिया 6, थर्ड टाइम में भी, तो 3 नंबर्स हो गए फर्स्ट फेस में। तो सेकेंड फेस में आपके क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन 3 एंड 6, तो आपका 3 है एंड 6 है, अगेन 3 है एंड 6 है, अगेन 3 है एंड 6 है, ठीक है? तो इसने ये तो हो गया आपके, देखो कितने, 1 2 3 into 2 is 6, ये आपके 6 हो गए। बट अगर आपने सेकेंड वाली डाइस को फर्स्ट लिया है और फर्स्ट वाली डाइस को आपने सेकेंड डाइस लिया है, दैट मीन्स अगर आपने ले लिया यहां पर 2, तो यहां पर कितना आना चाहिए, 3 और 6। सेकेंड डाइस में आपने ले लिया 4, तो यहां पर अगेन 3 एंड 6। थर्ड डाइस में आपका कितना होना चाहिए, 6, तो यहां पर आपको लेना है 3 एंड 6, ठीक है? तो अब देखो टोटल आउटकम्स यहां पर भी कितने हैं, 6 है टोटल, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो क्या है आपका, 6-6, यहां पर भी आपका 6-6 है, दैट मीन 6 टाइम्स 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो रिपीट नहीं करना है। तो अब आपके टोटल आउटकम्स क्या हो गए आपके, 6 + 6 = 12, 12 - 1 दैट इज इक्वल टू 11/36, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखो आपका क्या है, नाइदर 9 और 11 एज द सम ऑफ द फेसेस। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सम ऑफ 9 एंड सम ऑफ 11 निकालेंगे। तो 9 9 के क्या क्या सम्स हैं हमारे, 4 5 है ना, फर्स्ट डाइस में 4 है तो सेकंड में 5 है, फिर क्या है, 5 है एंड 4 है, ठीक है? नेक्स्ट 6 है तो यहां पर आपका 3 आ गया, तो ये हो गया आपका सम 9 का। अब कम से आया तो 11 का देखते हैं, तो 11 का हमारा क्या है, देखो 5 है एंड 6 है ना, और क्या है, 6 है एंड 5 है, 6 है एंड यहां पर आपका 5 है, तो ये हो गए आपके 11 के। 9 के और कुछ हो सकते हैं क्या हमारे, देखो इसके अंदर 3 के साथ 6, 3 के साथ 6 भी हो सकता है हमारा, है ना, तभी तो 9 होगा, 4 5 3 6 भी हो सकता है। तो यहां पर देखो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, और कुछ हो सकते हैं क्या, नहीं, तो टोटल ही 6 ना, ना
तो ये देखो, ये जो आपके सिक्स है दैट इज द टोटल आउटकम फॉर नाइन एंड इलेवन. तो आपका देखो क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी नाइन और इलेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई. तो वी कैन राइट 6/36 दैट इज इक्वल टू 1/6. तो अगर 9 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स नॉट अ 9 और 11. तो दैट मीन्स वी हैव टू माइनस 1 माइनस 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6. तो दिस इज योर आंसर नाउ.